अकबर को महान बताने वाले अक्सर ये पांच तर्क देते हैं, जो भी बताऊंगा बिना किसी फिल्टर के बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, अकबर के 9 रत्नों में से 4 रत्न बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और तानसेन हिंदू थे, जो आजीवन हिंदू ही रहे। दूसरा, अकबर ने सर्वधर्म संभाव का रास्ता चुना और सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही। तीसरा, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नंबर 4, अकबर ने मरने से ठीक पहले रामसिया के सिक्के चलवाए थे। नंबर 5, अकबर एक अनपढ़ शासक था, किंतु उसने एक अनुवाद विवाद की स्थापना की और रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। वो कौन से तर्क है जो अकबर की महानता को धूमिल कर देते हैं? जय हिंद दोस्तों, किताबों में हमें ऐसे तर्क पढ़ाए जाते हैं जो अकबर को महान बताते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे उन 7 तर्कों के बारे में जो अकबर की महानता को धूमिल कर देते हैं। पहला, अकबर ने राणा उदय सिंह के चित्तौड़ को जीत कर किले के अंदर रहने वाले सभी लोगों को मार डालने का आदेश दिया। इस नरसंहार में 30,000 लोग मारे गए थे। दूसरा, अकबर को महान बताने वाली गोंडवाना की रानी दुर्गावती की आत्महत्या को कैसे जाली ठहराएंगे। तीसरा, अपने पिता समान संरक्षित बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने उनकी पत्नी सलीमा से शादी कर ली थी। चौथा, अकबर के हरम में 3,000 से ज्यादा महिलाएं थी। बैरम खान की मृत्यु के बाद पूरा प्रशासन उन्हीं के हाथ में था, जिसे पेटीकोट शासन कहते थे। पांचवा, अकबर ने जिन हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया उनका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, लेकिन जब उसने अपनी बेटी मेहरुन्निसा की शादी गायक तानसेन से करवाई तो तानसेन को इस्लाम अपनाना पड़ा। छठा, अकबर हर नए साल मीना बाजार लगवाता था, जहां केवल स्त्रियां आती थी। यहीं से अकबर स्त्रियों को चुनकर अपने हरम में भिजवाता था। सातवा, अकबर ने राजा राय पुराण दास को इस्लाम कबूल करने को कहा, जब उसने नहीं किया तो अकबर ने उसकी हत्या कर दी। दोनों पक्ष देखने के बाद आप अकबर को क्या कहेंगे, अकबर महान था या शैतान?